टीचर भी कहूंगा, हालांकि हमारे साथ राजीव सर हैं जो सुपरिंटेंडेंट जीएसटी हैं। आप टीचर के तौर पे पहचान ज्यादा पसंद करते हैं या सुपरिंटेंडेंट जीएसटी? अगर मुझे टीचर कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं, बिल्कुल सही होगा जी। वो जीएसटी तो मैं सुपरिंटेंडेंट तो काम के लिए कर रहा हूँ, लेकिन जो वाकई में पैशन है जी वो टीचिंग का ही है। आपने जॉब लगने के बाद भी टीचिंग में वापस आने का सोचा, और वो भी ऐसे कि उन स्टूडेंट तक टीचिंग करेंगे जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां करते हैं, तो ये सोच कहाँ से आई? अनिमेश, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, क्या कहिए या लाइफ का रियल इंसिडेंस कहिए। मेरी जॉब जो है आज से 25 साल पहले रायपुर में, समय एज ए इंस्पेक्टर मैं इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया, तो वहाँ मैं देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इस डिपार्टमेंट में, हमारे दोनों डिपार्टमेंट में, यहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व बहुत कम था। कुछ बच्चे जो बाहर में मिले मुझे युवा, तो उनसे बात करने की कोशिश की, तो पता चला उनको पता ही नहीं है ऐसी नौकरी भी है जिसमें कर सकते हैं। तब फिर मैंने ठाना कि क्यों ना यहाँ के लोगों के लिए कुछ ऐसा शुरुआत किया जाए जिससे यहाँ के लोग भी, छत्तीसगढ़ के लोग भी या बच्चे भी जो है इस तरह की नौकरियों में। दौर ऐसा है कि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उनके आंकड़े बड़े बड़े बोर्ड पे फ्लैश होते हैं और वो उसे कमर्शलाइज भी करते हैं। जी, जी, जी। जब इतना लंबा सफर हुआ और इतनी सफलता आपके पास है, कभी ये ख्याल नहीं आया कि शुरू जैसा किया था निःशुल्क था, ठीक है अब कमर्शियल किया जाए? नहीं, ये तो वास्तव में जो चकाचौंध है मैं देखता हूँ। हालांकि ये यूँ कहिए कि 18 सालों के दौरान एक जो आप जो कमी बोलेंगे जी, कमी के रूप में यही है कि हम आज तक वो पहचान नहीं बना पाए लोगों के बीच में, सब ये नहीं आ पाए कि ये भी एक ऐसी संस्था है जहाँ पर बच्चे जा सकते हैं जी। आज भी मेरा आने का उद्देश्य यही था कि जो भी आज माई एफएम के श्रोता हैं जो आज सुन रहे हैं जी, वो कम से कम अपने बच्चों को या हो सकता उनके परिचित के बच्चों को यहाँ भेजें कि ऐसी भी जगह है रायपुर में जहाँ पर बच्चे निःशुल्क पढ़ सकते हैं और उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS एक UPSC जो लेती है क्लास वन ऑफिसर्स के लिए जी, जी। उसी तरह से इंडियन एजुकेशन सर्विस भी होना चाहिए जी। और जो देश में जो सबसे ज़्यादा क्रीम है जो उनको सिलेक्शन होना चाहिए, और उस अगर जब ऐसे लोग जो जिनका वास्तव में पैशन है इतने हाई लेवल पर, उनकी सैलरीज वगैरह सभी जो शिक्षकों की जो होनी चाहिए, जो सुविधाएं कलेक्टर को दी जाती है उस तरह से अगर दी जाए तो शिक्षक को भी, मैं समझता हूं कि हमारे देश में भी, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं हमारे देश जी, में जी। कमी तो है, कमी सिर्फ ये है कि उनको अच्छी शिक्षा। तो जब आपने ये सोचा कि उन्हें आप गाइड करेंगे, उनके मेंटोर बनेंगे जी, वो लेकिन निःशुल्क रखेंगे जी जी अपनी कोचिंग को, अपनी टीचिंग को जी, ये कहाँ से थॉट आया? दरअसल अनमेश, ये तो खैर मेरे वाकई में मेरी खुद के व्यक्तिगत जिंदगी से ताल्लुकात है इसका। सभी बच्चों का जो युवा जो हमारे साथी थे उस समय जी, जी। सभी का गवर्नमेंट में अच्छे जगह पर नौकरी लग गई या सर्विस में सिलेक्शन हो गया। तब मैंने सोचा कि भाई जब यहाँ पर ये शुरुआत किया तो मैंने सोचा कि जब वो अगर वहाँ सक्सेस मेरा हो सकता है, जब मैं ऐसा जब मैंने अपने जवानी के दिनों में या जब मैं अपने कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहा था जी, अगर उस समय वो सक्सेस हो सकता है तो अभी क्यों नहीं। कि चूंकि मैं इस डिपार्टमेंट में था, मैं एजुकेशन से कोई ताल्लुकात नहीं थी, युवाओं को जोड़ना मेरे लिए वाकई में बहुत दुष्कर कार्य था। लगभग जॉब लगने के 7 साल के उपरांत 2001 में जाके एक बच्चा मेरे पास आया कि जो तैयार हुआ कि भाई मैं पढ़ूंगा, तो मेरे लिए चुनौती ये थी कि बच्चे आए, ये मेरे पास यही बहुत बड़ी चुनौती थी। कोई आने के तैयार नहीं था क्योंकि मैं कोई एजुकेशन से, कॉलेज में प्रोफेसर नहीं था, स्कूल में टीचर नहीं था जी, जी, जी। तो किसी को लगता था कि भाई इस डिपार्टमेंट का आदमी हमको क्या पढ़ाना चाहता है, क्या बताना चाहता है जी, जी। तो फिर एक बच्चा आया, फिर धीरे धीरे जुड़ते गए उससे लोग, फिर अब वो धीरे धीरे 18 साल हो गए ये कारवां चलता गया, और फिर देखा कि मैंने वाकई में जो मुझे जो परेशानी थी, बस मैंने एक क्राइटेरिया रखा, चाहे किसी धर्म जाति किसी का भी हो, लेकिन बस उस अगर वो पैसे देने की स्थिति में नहीं है लेकिन पढ़ना चाहता है जी। और वाकई में अनमेश आज आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे कम से कम 150 से ऊपर बच्चे ऐसे हैं जो विभिन्न गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट्स में, चाहे राज्य में हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे बैंकिंग में हो, रेलवे में हो, पुलिस में हो, हर जगह उन्होंने अच्छे पद पर प्राप्त किया।